आज जा रही है देखो स्त्री का एक पति हो और गिरीश मुनीस बंटू ये भैया एटा से आए हैं। इनके गांव में भागवत 29 मई हाँ 29 मई से फाइनल हुई है। गांव है हंसपुर, तो भागवत फाइनल हो चुकी है। तो बताओ कितनी दूर से आपके गांव में कथा सुनने आई। तो आप लोग भी ट्रैक्टर वगैरह कर लियो, वहाँ कथा सुनियो, ठीक है। बार तालियां हो जाए तीनों भाइयों के लिए। सभा में सम्मान किया है, भगवान से कामना करेंगे कि भगवान हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, बंसी वाले किसी बात की घर में कमी न हो, समाज में यूं ही सम्मान बना रहे, यही भगवान से ऐसा कांसा है। एक पति की नारी बैल गए प्राण ते प्यारी, मैं पांच पिया की नारी तो जाए रही लाज हमारी। तब तक दुर्योधन कहने लगा, सकल क्या देख रहे हो, यहाँ देखने को बुलाया है क्या, जाओ जाकर के साड़ी खींच के नंगा करके मेरी जंगा पर बिठा लो। भैया जो इतनी बात द्रौपदी ने सुनी, द्रौपदी दुर्योधन के पैरों पर गिर पड़ी। वही द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते थे, और जवाब दिया है दुर्योधन से, ये कैसा अनर्थ कर रहे हो, स्त्री का गहना होता है उसकी लज्जा, अगर मेरी लाज चली गई तो मरना जीना एक समान हो जाएगा। दुर्योधन कहने लगा, उस दिन क्या मत खराब थी जब ये कहा था कि अंधों के अंधे ही होते, या तो सब अंधे बैठे तुझे कौन देख।